भाई सभी भाइयों का नमस्ते सलाम। दोस्तों आज की जो वीडियो है ना, आज की वीडियो है असिस्टेंट कोचेज की सैलरीज को लेकर। वीडियो शुरू होने से पहले जो मेन मुद्दा है वो स्टार्ट होने से पहले एक बात मेरी उन लोगों से है जो एकेडमी में सैलरी डिसाइड करते हैं असिस्टेंट कोच की। कितनी सैलरी डिसाइड करते हो तुम यार? 5,000, 6,000, 7,000? तुम्हारी जेब में कितना जा रहा है? 60,000, 70,000, 90, 1,00,000, 1,20,000? व्हाट अ बिजनेस! कितने पैसे बचा रहे मेरे भाई यार, वाओ, माय गॉड, विद इंग्लिश, क्या हेड कोच है यार, बिजनेस, बहुत तगड़े पैसे बचा रहे हो। तुम तो गाड़ी भी ले ली यार, तेरी बच्चे सिर्फ जा रहे हैं स्कूल में, है ना? तेरे पास ही सिर्फ बच्चे हैं, या तेरे पास ही सिर्फ बीवी है, या तेरे पास ही सिर्फ माँ बाप है, घर बार सिर्फ तेरा ही है भाई। असिस्टेंट तो बेचारा नल्ला ही है ना, है अकेला ही रहते ज़िंदगी भर, ना माँ है उसकी, ना बाप है उसका, ना बीवी, ना बच्चे हैं, ना भाई, ना बंधु, ना दोस्ती, ना यारी। वो तो भाई नंगा है। 5,000 दे रहे हो ना तुम उसको, 6,000 दे रहे हो, 7 दे रहे हो, खुद की जेब में लाखों जा रहे हैं। इतना भी अंतर मत रखो यार कि तुम्हारे तुम्हारी आंखों में से यार शर्म ही नहीं है, हैं? क्या करोगे भाई जिंदगी में? सारे पैसे निकल जाएं, ध्यान रखना, किसी की आत्मा दुखाओगे ना तुम्हारा कुछ नहीं होना। और निकलते भी हैं पैसे, पर तुम्हें ज्ञान तो इस चीज़ का है ही नहीं। जो बंदा तुम्हारी एकेडमी के अंदर 3 बजे से लेके शाम के 9 बजे तक, 4 बजे से लेके शाम के 10 बजे तक, या जो भी तुम्हारी एकेडमी का जो भी टाइम है तुम्हारी का, हैं, तुम्हें जाते हुए भी नमस्ते बोल रहा है, तुम्हें आते हुए भी नमस्ते बोल रहा है, और तुम उसको यार 6,000 दे रहे हो, वाओ, ओ माय गॉड, व्हाट आर इंग्लिश, गुड इवनिंग सर, गुड मॉर्निंग सर, देखते भी नहीं हो तुम तो, हैं? थोड़ी शर्म करो गधे के बच्चों, शर्म। तुम्हारा इतना एटीट्यूड कोई बंदा झेल रहा है? चुपचाप आ रहा है? इतनी सैलरी तो दो जितनी सरकार ने तय करी हुई है। गूगल पे तुम फालतू की चीज़ें ढूंढते रहते हो, हैं? थोड़ा गूगल पे लोगों की सैलरीज भी निकालो, निकालनी आती हो तो ही तो निकालोगे ना, 2-3 साइट पता है तुम्हें बस, हैं? सैलरीज निकालो, गूगल में चिट्ठे निकालो, क्या क्या चल रहे हैं, कितनी सैलरी, किसकी मिनिमम सैलरी चाहिए, मिनिमम पता है तुम्हें कितनी है, हैं? मजदूर पता है तुम्हें, मजदूर की कितनी सैलरी है? ये जितने भी सैलरी तय करता है ना, मैं इनको बोल रहा हूं, खुद की जेब में लाखों बचे, अगले को 6,000 में रखोगे तुम, हैं? कितनी सेविंग होती होगी उसकी 6 में, बताओ जरा मेरे को, 7 में या जो भी है, कितनी सेविंग मान रहे हो तुम उसकी? 2,000, 1,000? वो कर्जे में रहता है वो बंदा सारे टाइम पे। घर की हालत देखना एक बार जाके, और तुम्हारी एकेडमी में हंस के काम होता है, खुश रहता है, 6,000 दे रहे हो तुम। माँ कसम, जिस दिन मेरा दिन आया ना, उस दिन साड़ो मैंने एक दो को बोलना भी था, एक है दिल्ली में कोच, उसकी पूरी पूरी फैमिली कोचिंग लाइन में घुस चुकी है, हैं? सारे के सारे चर्सी थे, सबकी अकेडमियाँ खुली हुई है, सबके पास कारें हैं, वाओ, तरक्की, माय गॉड। माँ कसम, जिस दिन टाइम आया ना, और मैंने बोला भी था कि लाइन में खड़े करके तुम सालों सबको डंडे बजाऊंगा, ये ध्यान रखना, हैं? इतनी सैलरी तुम दे रहे हो, 6,000, हैं?
कुत्ते की मौत मरोगे, पता है ना, डोगी की। और मैं कोचिज जो असिस्टेंट कोच है उनके लिए एक मैसेज है, मैसेज ध्यान से सुन लो मेरे भाइयों, इतनी कम सैलरीज में काम करना छोड़ दो, मत करो काम। मैं नहीं कह रहा कि तुम्हें यार इतनी कम, कुछ और काम धंधा करो ना यार, हैं? अगर यही करना है ना तो पढ़ लिख के आओ, ढंग से कोच बन के आओ। जब तुम्हें नॉलेज भी होगी, तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस भी होगा अपना हक मांगने का, तुम्हारे पास नॉलेज भी होगी अपना हक मांगने का, तुम्हें पता होगा कितने मांगने हैं इन कुत्तों से पैसे, या मांगने या इनको देने हैं, समझ रहे हो ना भाई। मैं ये जो भी मैंने जो लाइनें बोली हैं, ये लाइनें सिर्फ उनके लिए हैं जो जिनकी जेब में खुद लाखों रुपए जा रहे हैं और असिस्टेंट कोच को तुमने 5,000 में रखा हुआ है। ये सभी डायरेक्टर के लिए नहीं है, ठीक है। बहुत लोग बहुत ठीक ठीक काम भी चल रहा है, बढ़िया भी दे रहे हैं पैसे। मैं अकेडमीज में रहा हूँ, अच्छे पैसे भी मिले हैं मुझे भाई, और मुझे मालूम भी है कुछ बंदों का जो अच्छे पैसे दे रहे हैं। पर कुछ गधे की औलाद ऐसे भी हैं जो हद कर रहे हैं, एक दो हैं, ये कॉम्प्लेक्सों के अंदर पसर के बैठे हुए हैं ये बंदे, समझ गए अब तुम कहाँ जा रहा हूँ मैं। तुम कॉम्प्लेक्सों के अंदर तुम टांग पसार के जो तुम्हारी कंपनियाँ चल रही हैं ना, उखड़ेगी, ध्यान रखना, और उखड़ भी रही है, उखड़ेगी भी, ठीक है। तो दोस्तों, असिस्टेंट कोचिज मेरे भाई, मेरी बात अपने दिमाग में डाल लो। कम सैलरीज में इसीलिए पिट रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास नॉलेज की फ़िलहाल दिक्कत है। कोर्स करो मेरे भाइयों, जो तुम्हें कोर्स करने से रोकता है, जो कोच तुम्हें बोलता है, मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बोला था, उसको गालियाँ सुनाओ, या तो उसके खुद बस की नहीं है कोर्स पास करने, ठीक है ना, खुद बस की नहीं है, और ना वो जाना चाहता, क्यों यार, काम बढ़िया चल रहा है, क्यों जाएगा। चार बंदों को कोर्स के अंदर जाएगा, चार बंदों को मालूम हो जाएगा कि ये तो बेकार है, इसे तो साले कुछ आता ही नहीं है, ऐसे पता लग जाएगा ना, बेइज्जती है फिर तो, तगड़े कोच की बेइज्जती है यार। तो भाई मेरी बात है, मेरी रिक्वेस्ट है, अगर जिंदगी में किसी भी चीज़ में कुछ तरक्की करनी है, उस तरक्की में आपकी शिक्षा आपके काम आएगी, आपकी पढ़ाई। टेनिस में तरक्की करनी है कोचिंग लाइन में, तो भाई पढ़िए, आपके पास हर चीज़ की नॉलेज होगी, कॉन्फिडेंस होगा, आपको पता होगा यार हर चीज़ का, कैसे बच्चों को खिलाना है, क्या प्लान करना है, हर चीज़ आपके दिमाग में पहले ही होगी, ठीक है मेरे दोस्तों। तो भाई इसी वीडियो के साथ भाई नमस्ते सलाम, अपना अपना ध्यान रखना, और भाई शेयर करना, अगर भाई सभी तक पहुंचेगी तो अच्छी बात है। और उन डायरेक्टर जितने भी अकेडमीज़ के जो ओनर हैं, सैलरी डिसाइड करने वाले, कईयों ने तो मैनेजर रखे हुए हैं बाकायदा, खुद नहीं बोलते कितनी सैलरी देनी है, मैनेजर रखे हुए हैं 6,000, उन तक सब तक वीडियो पहुँचाओ, ठीक है भाई। और भाई लाइक कर रहे हो तो यार शेयर भी करो, हैं, इतना तो घटिया भी नहीं बोल रहा मैं, पर तुम्हारी फटरी होगी कहीं होगी तो देख के वीडियो, तो भाई जिनकी फटती है ना वो भाई अनफ्रेंड करो और निकल लो यहाँ से फटाफट। बाय बाय दोस्तों, टाटा सी यू।